दर्शकों का प्रदेश के नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप पांच का प्रहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है आरपीएससी में राई का पहाड़, क्योंकि हजारों बेरोजगार युवा रात दिन मेहनत करके आरपीएससी की परीक्षा देते हैं। आरपीएससी भर्ती परीक्षा आयोजित करवाता है और दावा होता है कि भर्ती परीक्षा पूरी तरह से फुल प्रूफ होती है। ये विश्वास सालों से चला आ रहा था, लेकिन सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 पेपर लीक मामले समेत कई अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी जैसे जैसे फर्जीवाड़े की खबरें सामने आई, ये मामले सामने आए, राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की साख पर बट्टा लगता हुआ दिखाई दिया है। एसओजी के मुताबिक एसआई भर्ती का पेपर आरपीएससी से ही लीक हुआ था। एसओजी की पूछताछ में आरोपी रायका ने यह बताया कि उसे पेपर तत्कालीन आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा से 6 दिन पहले ही मिल गया था। एसओजी ने 65 और लोगों को अब ट्रेस कर लिया है। हालांकि रायका से बाबूलाल कटारा से आमने सामने की पूछताछ भी हो रही है। जल्द ही एसओजी का कहना है कि जो 65 और लोग चिन्हित किए गए हैं उन पर भी एक्शन होगा। इस खुलासे के बाद एसओजी की टीमें आरपीएससी के लोगों से भी पूछताछ करने में जुट गई। एसआई भर्ती 2021 पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसी पर आज करेंगे चर्चा। पहले देखिए ये रिपोर्ट। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक कांड में खुलासे। आरपीएससी के स्तर पर ही हुआ था पेपर लीक। रद्द हो सकती है सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021। पुलिस मुख्यालय ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। डॉक्टर किरोड़ीलाल का दावा, 2018 से हुए सभी पेपर आरपीएससी से ही लीक हुए। कांग्रेस ने कहा रायका को बतौर सदस्य बीजेपी सरकार ने चुना था, जबकि उन्हें ज्ञात होना चाहिए कि आरपीएससी सदस्य के रूप में उनका अपॉइंटमेंट भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने किया था। बीजेपी का आरोप पिछली सरकार के संरक्षण में चल रहा था। ऐसा लगता है कि पिछली सरकार के संरक्षण में सारा माफिया चल रहा था, तो इससे कहीं ना कहीं वह चीज बड़ी भी निकल कर आएंगी। आरपीएससी में राय का पहाड़। तो आरपीएससी में जिस तरह से फर्जीवाड़ा धांधली की खबरें आई हैं, उससे युवा अभ्यर्थियों का दिल टूटा हुआ है। लेकिन हर सरकार में पिछली सरकार में चल रहा था कहकर के बचने का दौर कई सालों से चल रहा है। आरपीएससी नहीं सुधर रही है, पेपर की प्रणाली नहीं सुधर पा रही है और गोपनीयता में सेंध लगाते जो परीक्षा के पेपर माफिया हैं वो हावी होते नजर आ रहे हैं। आखिर हालात कैसे सुधरे, सबसे बड़ा सवाल तो ये, और सवाल इस बात को लेकर के भी कि एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में जिस तरह से ट्रेनी थानेदारों की गिरफ्तारियां हुई है, उसके बाद क्या अब इस भर्ती परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए? उन अभ्यर्थियों का क्या किया जाए जो ईमानदारी से परीक्षा पास करके थानेदार बनने की राह में थे? तो उन पर भी सरकार को सोचना होगा कि किसी के हितों पर कुठाराघात नहीं हो। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है इस सबसे गंभीर चर्चा के लिए, और सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं आपका हमारे मेहमानों के साथ, जिसमें मदन प्रजापत हमारे साथ हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पंकज शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस के अधिकारी, और ललित के पवार हमारे साथ हैं, पूर्व चेयरमैन आरपीएससी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और पवार साहब, आप मुझे सुन रहे हैं तो सबसे पहले आज आप ही से शुरुआत करूंगा, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके से आरपीएससी की परीक्षाओं को लेकर के सवाल उठे हैं सर, और अब तो एसआई भर्ती पेपर लीक मामला जो 2021 वाली परीक्षा को लेकर के इतने सारे ट्रेनी जो है वो जेल के अंदर हैं, और अभी भी एसओजी कह रही है कि कुछ और लोगों को पकड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका ही पूरी तरह से संदिग्ध नजर आई है। तो आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपके हिसाब से ये भर्ती परीक्षाएं और आरपीएससी का ये जो मॉडल है वो कितना विश्वसनीय है सर? मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है, बोलिए। हाँ, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे पास जी, क्योंकि
मेरा ये मानना है कि जहां तक हो सके हमें पेपर्स और एग्जाम्स ऑनलाइन करने चाहिए। ऑनलाइन करने से 100% सिक्योरिटी रहती है और कोई भी चांसेस फेवरेटिज्म का नहीं आ सकता। हम लोगों ने इस प्रयोग को किया था, डिजिटाइज किया था जी। 110 एग्जाम में से 100 एग्जाम हमने ऑनलाइन कराए थे। तो एक सुझाव तो ये रहेगा कि आरपीएससी को अपना ऑफलाइन मोड के बजाय यथासंभव मैक्सिमम एग्जाम्स को ऑनलाइन कराना चाहिए, उसके परिणाम अच्छे आएंगे। यहां तक कि हमने तो कॉपियां भी ओएसएम ऑन स्क्रीन मार्किंग से जचवाई थी ताकि किसी तरह की कोई कंप्लेंट की गुंजाइश नहीं रहे। तो इसमें अच्छे रिफॉर्म्स की जरूरत है और वो रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, डुएबल है, टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके लिए जी। पवार साहब, आप तो चेयरमैन रहे, एक चेयरमैन की भूमिका कितनी होती है भर्ती परीक्षाओं को लेकर के? आवाज आपकी कम आ रही, कैंडिडेट रिपीट। मैं हम ये जानना चाहते हैं पवार साहब, चेयरमैन की भूमिका भर्ती परीक्षा में कितनी होती है? क्या चेयरमैन चाहे तो पेपर निकाल सकते हैं, अपने चहेतों को फायदा दे सकते हैं? चेयरमैन हमेशा आरपीएससी के मेंबर्स के थ्रू पेपर सेट करवाते हैं एक्सपर्ट्स के माध्यम से पूरा जी। सो हाँ, और डबल उसमें सिक्योरिटी का रहता है। प्रोसीजर हर एक का अपना अपना सिस्टम होता है सेट के हिसाब से, और हमेशा दो मेंबर एक साथ रहेंगे जी। मेंबर रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे, तो उसमें ताकि सिक्योरिटी बनी रहे, और डबल कवर में सील में होते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अटमोस्ट सिक्योरिटी और कॉशन हम लोगों ने रखा और आइंदा भी रखना चाहिए ताकि इस तरह की कोई गुंजाइश ना रहे। लेकिन अभी जो गिरफ्तार आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन है रायका जी, रामू राम रायका, उन्होंने कहा कि उनको 6 दिन पहले पेपर बाबूलाल कटारा से जो तत्कालीन सदस्य थे उनसे मिला था। हम आपसे ये जानना चाहते हैं और प्रदेश की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि एक सदस्य का क्या रोल होता है पेपर सेटिंग से लेकर के सेंटर तक पहुंचने में? किस मेंबर से क्या काम लेना है ये चेयरमैन तय करते हैं जी, और मेंबर्स ये तय करते हैं एक्सपर्ट्स कौन कौन से आएंगे, वो कंसल्टेशन के साथ होता है इसमें कि कौन कौन से एक्सपर्ट से ये पेपर सेट करवाएंगे। और ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के एक्सपर्ट्स को चुनते हैं और उसी हिसाब से ये सारा सेटिंग होता है पूरा। तो क्या अगर कोई सदस्य पेपर चोरी कर लेता है और पेपर को बेच देता है, उसको आउट कर देता है, उसकी जिम्मेदारी आरपीएससी के चेयरमैन की होती है? चेयरमैन अपनी इस जिम्मेदारी से एक तरह से अपन कह सकते हैं सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस, तो डायरेक्टली तो शायद ना हो बट इनडायरेक्टली तो एक तरह से उनका जो अपन कह सकते हैं कि ये सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस हो सकती है जी। आपसे ये जानना चाहता हूं, गोपनीयता की बात होती है सर, क्या आप ये कहेंगे कि रामू राम रायका ने पेपर निकाल लिया, बाबूलाल कटारा से पेपर मिला और उसके बाद में क्या इसमें आरपीएससी अध्यक्ष की भूमिका भी संदिग्ध है? इस पे मैं अभी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, वो तो जांच का विषय है, बाकी संभावना मुझे कम लग रही है। कम लग रही है, लेकिन आज हनुमान बेनीवाल जो नागौर के सांसद, उन्होंने कहा कि तत्कालीन आरपीएससी के सदस्य आरपीएससी के चेयरमैन संजय शोतिया को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इस भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाए, आपका क्या विचार है? इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन 10 में से 9 टॉपर एसओजी की गिरफ्त में है ललित के पवार साहब क्या, और इतने ही सारे 65 और लोगों ट्रेस किया गया है, 40 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां ट्रेनी की, क्या ये भर्ती परीक्षा यथावत रहनी चाहिए या एक पूर्व चेयरमैन के नाते आप सोचते हैं कि कोई बीच का रास्ता निकले, क्या हो इसका समाधान या रद्द हो? इस पे गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है। जैसे मैंने मीडिया में पढ़ा है कि पुलिस हेडक्वार्टर से ये रिक्वेस्ट गवर्नमेंट को गई है, अब इस पे गवर्नमेंट सारे तथ्यों को विचार करके लीगल ओपिनियन लेके निर्णय गवर्नमेंट को लेगा। पवार साहब, एक और महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिरकार आपसे पहले हबीब खान गोरान थे, 23 सितंबर 2014 को तत्कालीन सरकार ने उनका इस्तीफा लिया क्योंकि आरएस की भर्ती परीक्षा में आरोप लगे फर्जीवाड़े के, इस्तीफा ले लिया, कुछ नहीं हुआ, क्या कोई कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई एक नियम कायदा कोई बनना चाहिए जिससे कि इस तरह के फर्जीवाड़ों को रोका जा सके? सर,
क्योंकि एक आरपीएससी एक सर्वोच्च संस्था है हमारे प्रदेश की और लाखों युवाओं का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि पूरी समर्पण निष्ठा ईमानदारी और लगन से चेयरमैन और मेंबर सबको अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और कोशिश ये करें कि किसी को भी किसी तरह की आक्षेप करने का मौका नहीं मिले जी, क्योंकि इसमें लाखों युवाओं का भविष्य और सपने जुड़े हुए जी। लेकिन डॉक्टर किरोड़लाल मीणा ने कहा कि 2018 से तमाम पेपर आरपीएससी से लीक हुए, आपको लगता है कि हर पेपर इसी तरह से लीक हो रहा है? ये जांच का विषय हो सकता है, इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता जी। हमारे साथ बाकी और मेहमान भी है, पवार साहब आप बने रहिए, मैं वापस आपके पास आऊंगा। लेकिन हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी है। योगेंद्र जी, एक टिप्पणी मैं आपसे चाहता हूं। रामू राम रायका ने कहा 6 दिन पहले पेपर मिल गया और वो पेपर बाबूलाल कटारा जो तत्कालीन उनके साथ में सदस्य थे उनसे मिला, आरपीएससी की विश्वसनीयता कितनी बच गई है? देखिए हेमंत जी, ये तो अब अखबारों में जो सूचनाएं आई हैं उसके हिसाब से तो आरपीएससी का जो विश्वास है वो तो उठ चुका है। आरपीएससी में अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है। आप देखिए जब पेपर वहाँ से निकल निकल के बाहर आ रहे हैं और आरपीएससी का सदस्य कह रहा है कि मैं मेरे इलाके के लोगों का बड़ा फायदा करता हूँ, उनको आगे बढ़ाने में योगदान करता हूँ, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार की जो भी संस्थाएँ हैं उन संस्थाओं के जो अधिकारी हैं या ये अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और यही नहीं बड़े बड़े उच्च पद पर जो आईएएस आईपीएस बैठे हुए हैं ये अपने अपने इलाके के लोगों को फायदा पहुंचाते हैं और फिर क्या करते हैं जब चुनाव आते हैं तो ये वीआरएस ले लेते हैं और वीआरएस लेकर के चुनाव लड़ने लग जाते हैं। अब मुझे बताइए चुनाव किस कदर से लड़ते हैं? ये इसलिए लड़ते हैं कि जिस इलाके से चुनाव लड़ते हैं वहां के लोगों को पास करवाते हैं, वहां के लोगों की इच्छा की पूर्ति करते हैं, वहां के जो राज्य। एक बात बताओ योगेंद्र जोशी जी, लोगों को कि अगर जिनके आरपीएससी के चेयरमैन और सदस्यों के घर के और आसपास के जान पहचान के लोग अगर परीक्षा में पास हो रहे हैं तो उन सबकी जांच हो रही होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, उन पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए? हेमंत जी, हबीब खान गोरान अपनी बच्ची के लिए आरजे इसके पेपर लेने के लिए प्रेस में चले गए, प्रेस वहां से लाओ पेपर और मेरी बच्ची को पेपर दो। मैं ये कह रहा हूं कि इनकी जो अब तक की जो आरपीएससी की जो कार्यविधि देख रहा हूं ये बड़ी निम्न स्तर की कार्यविधि है और इसके अंदर ऐसे ऐसे लोगों को लगाया जाता है जो सक्षम ही नहीं है। मतलब न तो वो ईमानदारी का उनको कुछ पता है, न उनको कोई गर्व है उनके ऊपर के साथ मैं वहां का सदस्य बन गया, चेयरमैन बन गया। मतलब बैठ करके ही अपने रिश्तेदारों को, अपने आस पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को, अपने राजनेता के आकाओं को, उनके परिवार वालों को ये नौकरियां दिलवा रहे हैं। मैं तो ये मानता हूं हेमंत जी, कहीं ऐसा नहीं हो जो आधा राजस्थान ऐसे ही भर्ती हुआ हो। जब से मुझे तो अब ये लगने लगा है कि अभी तो ये एक से एक पकड़े गए, बाकी और भी है। तो और दूसरी बात और हेमंत जी, मैं ये बताऊं आज कोई भी घटना घटती है तो हम सीधा मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। भाई सारा काम पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री चला रहा है क्या? तो चेयरमैन की जिम्मेदारी कैसे आप नट सकते हैं? चेयरमैन ईमानदार साहब ने कहा कि चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है वही तय करता है कि कौन कौन सा सदस्य जो है परीक्षा। लेकिन देखिए पवार साहब ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसका तो सुपरवाइजरी है। अरे भाई सुपरवाइजरी कैसे है? वो चेयरमैन है, अगर उसके अधीन रहने वाले लोग जो वहां के सेक्रेटरी हैं, जो ये सवाल भी मैं करूंगा, मैं उनसे और सवाल करूंगा। पंकज शर्मा जी, जल्दी से आपकी टिप्पणी की आरपीएससी की, ये साख तो हमने नहीं सोची थी और अब क्या हल हो, समाधान हो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों के अलावा? नहीं देखिए हेमंत जी, आरोप प्रत्यारोप का जैसा कुछ बचा नहीं है क्योंकि लगातार कई प्रदेशों की बात करें, सेंट्रल लेवल पे नीट जैसी परीक्षाएं भी इसमें लगातार पेपर लीक हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अभी कंक्रीट सॉल्यूशन मुझे लगता है कि सभी दलों को मिलकर बैठकर निकालना चाहिए। और इसी प्रक्रिया में आप लोगों ने देखा होगा कि जब पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी उस कांग्रेस सरकार के राज में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एंटी चीटिंग बिल, पूरे देश में सबसे पहले एंटी चीटिंग बिल आया और उस एंटी चीटिंग बिल में अच्छे अच्छे प्रावधान रखे गए जिसके तहत अगर नहीं लगाया था तो हमारी सरकार में गिरफ्तार भी हुआ ना, जो गलत था उसे हर किसी को भी, जो भी गलत आरोपी थे। नहीं बिल्कुल हमारी सरकार में गिरफ्तार हुए हैं बाबूलाल कटारा, आपको पता हो तो जरा बताना पंकज जी। नहीं देखिए जो भी हमारी पेपर, हमारी सरकार में जो भी पेपर लीक हुए
वो बिल्कुल मैं उस चीज को ये कह सकता हूँ कि पेपर लीक डेफिनेटली हमारी सरकार में भी हुए हैं और बाकी सरकारों में भी हुए हैं, बीजेपी की सरकार में जो पूर्ववर्ती सरकार थी उसमें भी हुए हैं, इस वाली सरकार में भी हुए हैं, पिछली सरकार से चला रहा इसके अलावा उत्तर प्रदेश गुजरात उत्तराखंड केंद्र अभी राजस्थान की बात कर लीजिए ना, मैं बार बार इस बीजेपी तो कह रही है कि पिछली सरकार से चला रहा था, हमने तो इसका भंडाफोड़ कर दिया, एसआईटी का गठन कर दिया और एक के बाद एक गिरफ्तारियां कर ली। बोलिए, देखिए अगर मैं अगर लिस्ट लेकर बैठूंगा यहाँ पर 2013 से लेकर 18 तक की लिस्ट अगर आपको गिनाने लगूंगा तो लेखपाल का पेपर लेखपाल का पेपर हो, मैं वही बता देता हूँ ना, लेखपाल का हो, आरएस का हो, एलडीसी का हो, पीएमटी का हो, कांस्टेबल का हो, बहुत सारे पेपर लीक 2013 से 18 के बीच में भी लीक हुए हैं। और अमृतलाल मीणा का आप लोगों ने नाम सुना होगा जो आरएस के पेपर लीक में भी माफिया था, वो कहाँ है, किसी ने गिरफ्तारी भी नहीं की। हमारी सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसमें पेपर लीक पर एंटी चीटिंग बिल बना और हमारी सरकार ने लगातार जो भी आरोपी थे उन पर कार्रवाई की। मदन प्रजापति कार्रवाई नहीं की, आपके नेता कहने की पिछली सरकार से चला रहा है, हमारी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मदन जी, सरकार ने भी बिल बनाया, उत्तराखंड ने बिल बनाया, ठीक है सर, कार्रवाई करने का काम जी किया। ठीक है मदन जी, देखिए हेमंत जी, आपके पहले सवाल का पहला जवाब तो मैं दे सकता हूं कि बिल्कुल जिम्मेदारी हमारी है और इसी जिम्मेदारी के चलते हुए अभी तक माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के बनने के बाद जितनी परीक्षाएं हुई है, किसी भी परीक्षा के अंदर किसी प्रकार का कोई आपको लीक का या बैठने का नहीं मिलेगा, यह दर्शाता है कि सरकार कितनी संवेदनशील है। दूसरी चीज मैं ये बता देता हूं कि जब राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने शपथ ली, तो शपथ लेने के बाद में अगर उनके हृदय में किसी के लिए सबसे ज़्यादा पीड़ा थी तो राजस्थान के युवाओं के लिए थी, जो उनके साथ में पिछले 5 साल 18 से लेकर 23 साल जिसमें उनका भविष्य सवाल है सर, देखिए मेरी पूरी भाषण वाला वक्त नहीं है, इसीलिए एसआईटी को लेकर पुलिस सरकार को पुलिस मुख्यालय से सरकार को इस भर्ती को कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है, सरकार का एक्शन क्या है? हेमंत जी आप मेरी बात सुनिएगा, मेरे को समय दीजिएगा। आज उसी का नतीजा है कि राजस्थान के अंदर 636 गिरफ्तारियां हुई है और 7 माफियाओं को पकड़ा गया है। यह प्रतिबद्धता है राजस्थान सरकार भजनलाल जी की, यह प्रतिबद्धता है कि एसआई में जो ट्रेनिंग के लिए चले गए थे वो 46 लोगों को गिरफ्तार किया है, 22 लोग आज भी रडार के ऊपर है। यह प्रतिबद्धता है राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार की, यह प्रतिबद्धता है राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार की कि जिन लोगों ने बड़ी मछलियां कहते थे आज ये जो रामू राम राय का की गिरफ्तारी और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी दर्शाती है कि बाड़ी खेत को खारी थी और मालिक बैठ के नींद के अंदर गहरी नींद में दर्द्रास की नींद से सो रहे थे राजस्थान के उस टाइम के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मदन जी आज राजस्थान के युवाओं को न्याय दिलाने का काम अगर किसी ने कहा है, भजनलाल जी ने आपको ये मेरा भाषण लग रहा है, अगर ये भाषण लग रहा है तो अच्छा है, अगर ये भाषण लग रहा है तो अच्छा है। सुनिए ना, ये मेरा सवाल सुनिए, बिल्कुल मेरा सवाल क्यों मदन जी ये मैं जानना चाहता हूं आपसे कि ये जो आरपीएससी का भर्ती 2021 वाली ये जिस स्कूल से हुई थी, बाल भारती सीनियर रविंद्र बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, क्या हुआ उस स्कूल का? देखिए रविंद्र जी, हेमंत मैं तो उसका भी बता रहा हूं कि जिनको प्राइवेट लोगों को राजीव गांधी स्टडी सर्कल को रीट के पेपर के लिए रख दिया था, मैं तो उस बात की भी बात करूंगा आपसे, आज पूछिएगा कांग्रेस के प्रवक्ता को कि डीपी मैं तो आज आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, छोड़िए कांग्रेस के प्रवक्ता को, अब आप इस भर्ती को रद्द करेंगे या क्या करेंगे, क्योंकि लाखों युवाओं को इंतजार है। देखिए जांच और ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बिना आरपीएससी को इस तरह से फुल प्रूफ बनाए हुए काम नहीं चलेगा, अगली भर्ती परीक्षा में और करवाने जा रहे हैं, अभी कल ही एक विज्ञापन जारी हुआ आरएस का है ना, आरएसआरटीएस का, एक अभी पाइपलाइन में है जिसका मेंस का आरएस का एग्जाम होना है, अगर ऐसे ही चयन प्रक्रिया चलती रही तो कैसे काम चलेगा सर, इस पर क्या कठोर कदम उठाने होंगे जल्दी से बताइए। देखिए हेमंत जी, भजनलाल जी की सरकार के बाद में एक भी पेपर लीक की किसी तरीके की घटना या डमी कैंडिडेट बैठने की घटना किसी तरीके की नहीं हुई है, आने वाली परीक्षाएं भी जो है वो सुरक्षित होगी और युवाओं के साथ में न्याय होगा, किसी तरीके का कुटाराघात नहीं होगा और ये इसलिए होगा क्योंकि हम प्रतिबद्ध है। मैं कह रहा हूं बाड़ी खेत को खारी थी, जो रक्षक थे उन्हीं के ऊपर जिनके कंधों पे जिम्मेदारी थी वही माफिया बन गए, तो वो माफिया बनेंगे और जो जिसके ऊपर देख के निगरानी करने के थे तो वो पहले जो आरपीएससी के मेंबर्स थे वो तो अभी तक चले आ रहे हैं, तो फिर वो बाड़ बदली कहां से, वो खेत कहां बदला, वही खेत वही बाड़ है। मैं बता रहा हूं इसका सीधा सीधा उदाहरण, मैं ये बता रहा हूं कि प्रतिबद्धता कहां दिखती है। आरोपी जो पकड़े गए हैं उनकी जमानत हमारी सरकार ने नहीं होने दी है, उनकी जमानत के लिए स्पेशल पीपी लगा के और कोर्ट के विजिलेंस के अधिकारी लगा के ध्यान रखा जा रहा है। हनुमान बेनीवाल ने सुनिए ना सर, हनुमान बेनीवाल ने कहा संजय गिरफ्तारी रामू राम
की गिरफ्तारी क्या दिखाती है, जगदीश बिश्नोई की गिरफ्तारी क्या दिखाती है, भूपेंद्र सारण की गिरफ्तारी क्या दिखाती है, हर्षवर्धन मीणा की गिरफ्तारी क्या दिखाती है, गंगाराम खिलेरी की गिरफ्तारी क्या दिखाती है, अनिल सिंह मीणा की गिरफ्तारी क्या दिखाती है, मैं तो ये कह रहा हूँ जाऊंगा एक बार। देखिए हेमंत जी मैंने बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुना और मैं चाहूंगा कि वो भी मेरी बात को अच्छे से सुने। देखिए इस जो पेपर लीक है, इस पेपर लीक से हमारे मुख्यमंत्री जो उस समय के मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी ने लगातार प्रयास करके पहली बार देश में एंटी चीटिंग बिल लेकर आए। उस एंटी चीटिंग बिल का ही कारण के कारण आज एंटी चीटिंग बिल के कारण ही आज लोग पकड़े जा रहे हैं। लगभग 66 से ज्यादा केसेस के बाद 450 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग जब सरकार में नहीं थे, विपक्ष में हुआ करते थे, तब लगातार आरपीएससी को भंग करने की मांग करते थे, लगातार सीबीआई की मांग करते थे, लगातार भर्ती परीक्षा का कैलेंडर की मांग करते थे, लेकिन इन्होंने पिछले 6 महीनों में एक भी कोई काम नहीं किया है और सिर्फ हवाई बातें की। आप कह रहे थे कौन सा अभी बीजेपी के प्रवक्ता करते हमारे सरकार के राज में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इनकी सरकार के राज में तो 10th जैसे छोटी परीक्षाएं भी लीक हुई है, एओ आरओ जैसे भी पेपर लीक हुए हैं। और मुझे लगता है कि कार्रवाई जो आज हो रही है, वो जो एंटी चीटिंग बिल आया था जिसे प्रमाणिकता के साथ केंद्र सरकार ने भी माना और केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार ने भी उसे लागू किया, उसी पेपर लीक एंटी चीटिंग बिल की वजह से आज राजस्थान में कार्रवाई हो रही है और वो हमारी सरकार की देन है, जो हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी। और एक बात और मैं कह देना चाहता हूं हेमंत जी, हमारी सरकार में बिना किसी भेदभाव के किसी को अगर हमने अपॉइंट किया था, अगर वो आरोपी निकला था उसके खिलाफ भी कार्रवाई है। डीपी जारोली हो, बाबूलाल कटारा हो या कोई और लोग हो, सारे लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। आप लोग देखेंगे कि भूपेंद्र सारण को हमारी सरकार के राज में गिरफ्तार किया गया, राम कृपाल मीणा की तो सरकारी संपत्ति, आपकी सरकार सरीना हबीब खान गोरान का जब इस्तीफा हुआ, सबसे पहले आरएएस परीक्षा को लेकर के सवाल खड़े हुए और बीजेपी की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार ही तो आई थी, क्या हुआ था उसमें? मेरे को 10 सेकंड दीजिएगा, हाँ मैं दे दूंगा दे दूंगा। इन्होंने कहा कि हमने 4 साल में क्या किया, मैं तो ये बताता हूँ, एसआईटी गठन होने के बाद में 66 केस दर्ज हुए, 436 गिरफ्तारियां हुई है, 436 गिरफ्तारियां। और ये कह रहे थे कि हमारी सरकार में एक बार, आपकी सरकार के अंदर तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति पूर्व 18,50,000 रुपए लेते हुए, 18,50,000 रुपए लेते हुए, 18,00,000 रुपए उस वक्त कांग्रेस का सदस्य नहीं, नहीं बिल्कुल पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा, पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त वो आरोपी कभी भी कांग्रेस का सदस्य नहीं था, कांग्रेस का सदस्य नहीं था। देखिए मुझे हेमंत जी लगता है कि झूठे आरोप लगाने की बजाय राजनीति से ऊपर उठ के इसमें कंक्रीट सोल्यूशन क्या निकल सकता है, मुझे लगता है। अरे भाई, जब राजनीतिक तौर पर चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति होती है तब आप जांचते हैं क्या कि उनकी भूमिका क्या रही है, वो कैसे लोग हैं या उनके आसपास के लोग तो इस परीक्षा में बैठ करके पास नहीं हो रहे, तब आप जांचते हैं क्या कि तो नाप लेते उनके पास वसुंधरा सरकार में ये हुआ है, 2 करोड़ रुपए देके बढ़ाऊं, नहीं 2 करोड़ रुपए देके बढ़ाऊं, बाबूलाल कटारा का बयान है मीडिया के अंदर, किसका दिए, रामू राय का है, सर्वे मुख्यमंत्री करता है, मंच से ये बात कही है, मैंने बहुत सारे ऐसा ही बना है लगातार ऊपर इन लोगों के खिलाफ एक दूसरे पर, ये आप कह देंगे बाबूलाल कटारा को किसने बनाया, ये कह देंगे रामू राम रायका को किसने बनाया और उसने कितने पैसे दिए, इससे काम नहीं चलेगा। मदन जी मैं आ रहा हूं आपके पास, योगेंद्र जोशी जी अंतिम टिप्पणियां है, मैं वही बता रहा हूं योगेंद्र जोशी जी, यह राजनीति एक दूसरे पर डाल करके बच जाएगी लेकिन प्रदेश के छात्रों का भविष्य, युवाओं का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? क्या आरपीएससी आपके हिसाब से भंग होनी चाहिए, कोई दूसरी संस्था को बनाया जाना चाहिए या आरपीएससी को ही मजबूत करने की जरूरत है, फुल प्रूफ करने की जरूरत है जहां पर निष्पक्षता हो, पारदर्शिता हो? सर अंतिम टिप्पणी। देखिए हेमंत जी, मेरे समझ में तो आरपीएससी के अंदर जंग लग गया है और पूरी की पूरी आरपीएससी को बिल्कुल खाली करवा देना चाहिए, नए सिरे से वहां सभी लोगों को नियुक्त करना चाहिए और उनका पूरा क्राइटेरिया, पूरा पिछला रिकॉर्ड देखना चाहिए कि ये ईमानदार है कि नहीं है, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, पूरा हिसाब देखने के बाद उनको अध्यक्ष, सदस्य या वहां का सेक्रेटरी बनाना चाहिए, तब जाकर के इस आरपीएससी पे विश्वास होगा। बाकी इस प्रकार की बातें अगर ये दोनों राजनीतिक पार्टियां कर रही है, ये अगर इस तरह का जोश और खरोश इस बेईमानी को रोकने में लगाएंगे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के जो विद्यार्थी है राजस्थान की जनता को लाभ प्राप्त होगा। की घोड़ी पर कौन चढ़े, उतर भिका में चढ़ूं, एक चढ़ जाता है दूसरा उतर जाता है, दूसरा चढ़ जाता है पहले वाला उतर जाता है और ऐसे एक दूसरे पर आरोप लगते रहे। मदन प्रजापत, बिल्कुल संक्षेप में क्या कहना चाह रहे हैं, बोल दीजिए, जल्दी से बोलिए।
देखिए हेमंत, मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि जैसे इन्होंने कहा है कि होना चाहिए, तो ये दर्शाता है कि भजन लाल जी की सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है युवाओं को न्याय दिलाने के लिए। इसीलिए जो ऐसा ही भर्ती के अंदर गए 46 लोगों को पूरी आरपीएससी खाली करके दोबारा से होना चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रदेश की जनता और खासतौर पर प्रदेश के युवा इस वक्त सरकार की तरफ देख रहे हैं कि जो आरपीएससी अपनी साख खो चुकी है उसकी साख को सरकार कैसे वापस दिलाए, ये सरकार को सोचना होगा।